सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रही महिलाएं, बदल रही है उनसे जुड़ी सोच, वेबिनार में बोले पीएम मोदी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बोले, भारत ने कोरोना महामारी के दौरान की थी 150 देशों की मदद, भेजी थी दवाइयां। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के दिल्ली स्थित आवास पर 11 घंटे बाद खत्म हुआ ईडी का छापा। रक्षा बलों ने ध्रुव हेलीकॉप्टरों के संचालन पर लगाई रोक, आपात लैंडिंग के बाद लिया गया फैसला। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी समर्थकों पर होगी कार्रवाई, अल्बनीज ने पीएम मोदी को दिया भरोसा। अलीगढ़ में कलेक्ट्रेट सभागार में रेलवे अधिकारियों की बैठक, सांसद की अध्यक्षता में हुई बैठक। अलीगढ़ में पीएम सीएम के खिलाफ विवादित पोस्ट किया गया शेयर, भाजपाइयों ने क्वारसी थाने में दी तहरीर। हरदोई में लाभार्थी को नहीं मिला पीएम आवास का लाभ, जिला अधिकारी से लगाई गुहार। हरदोई में टेम्पू पलटने से मासूम की मौत, कई लोग घायल, अस्पताल में भर्ती कुत्ते को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। संबल में बहन के ससुराल में हुई कहा सुनी झगड़े के बीच में भाई को बोलना पड़ा भारी, बहन का आरोप भाई पर किया सरिये से हमला। इमरान खान को बड़ी राहत, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने गैर जमानती वारंट किया रद्द, सुनवाई 2 हफ्ते तक स्थगित। भारत ने सऊदी अरब के नागरिकों के लिए ई वीजा सेवाओं को किया बहाल, साल 2019 में शुरू की गई थी सेवा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बोले, पीएम मोदी की ओर से बहरीन में श्री नाथ जी मंदिर के जुड़ो उद्धार की योजना ऐतिहासिक। 5 साल में भारत के अंदर नशीले पदार्थों की बरामदगी बढ़ी, INCV ने जारी की अपनी वार्षिक रिपोर्ट। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने पीएम प्रचंड को जारी किया कारण बताओ नोटिस, देश में 5,000 मौतों की ली थी जिम्मेदारी। सोहेल तनवीर के आगे इंडिया महाराजा ने टेके घुटने, 9 रन से एशिया लॉयंस ने जीता पहला मुकाबला। यूपी वॉरियर्स ने किया कमाल, 10 विकेट से जीता मुकाबला, एलिसा हिली ने खेली शानदार पारी। कप्तान बनने के बाद टेम्बा ने जड़ा पहला टेस्ट शतक, पिता से खड़े होकर किया सलाम। सैतीस साल की उम्र में रॉबिन उथप्पा ने दिखाई चीते जैसे फुर्ती, छूटता हुआ कैच ड्राइव लगाकर पकड़ा। न्यूजीलैंड के कप्तान टिम साउथी ने रचा इतिहास, साउथी ने 15वीं बार हासिल किए 5 विकेट। मरने के बाद रिलीज होगा सतीश कौशिक का आखिरी शो पॉप कॉन ट्रेलर, देखे निकले फैंस के आंसू। टीना अंबानी की भतीजी अंतारा मारवाह ने लैक्मे फैशन वीक में रैंप पर किया बेबी पंप लॉन्ट, वायरल हुआ वीडियो। भीड़ में दिखा लॉकडाउन के दौरान पलायन का दर्दनाक मंजर, बढ़ते देश को देख छलक उठेगा दर्द।
टीवी शो गुम है किसी के प्यार में के सेट पर लगी भीषण आग, जरा से वक्त में धू धू हुआ नजारा। जवान के सेट से लीक हुआ शाहरुख खान का ब्लॉकबस्टर एक्शन सीन, दांतों में सिगरेट दबाए आए नजर। पांच मिनट की 25 बड़ी खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक ले देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।